भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने पांचवी बार कक्षा बदलने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने ट्वीट कर ये बताया है कि आदित्य L1 अब सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 पॉइंट की ओर बढ़ गया है। इसरो ने 15 सितंबर को बताया था कि आदित्य L1 प्रक्षेपण के बाद से ही मिशन की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बंद कर परिक्रमा कर रहा है। इसकी परिक्रमा परिधि 4 बार बढ़ाई गई है। पांचवी बार में मार्ग परिवर्तित कर इसे किसी गोफन की तरह सूर्य की ओर रवाना किया जाना है। इसे स्लिंग शॉट मनूवर कहते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले आदित्य L1 ने चौथी बार 15 सितंबर को सफलतापूर्वक कक्षा में बदलाव किया था। थ्रस्टर फायर के कुछ समय बाद ही इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी थी। तो वहीं इसरो ने 10 सितंबर को रात करीब 2:30 बजे तीसरी बार आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की कक्षा बदली थी। तब इसे पृथ्वी के 296 किलोमीटर बाय 71,767 किलोमीटर की कक्षा में भेजा गया था। 3 सितंबर को आदित्य L1 ने पहली बार सफलतापूर्वक कक्षा बदली थी। इसरो ने सुबह 11:45 पर बताया था कि आदित्य L1 की अर्थ बाउंड फायर किया गया है, जिसकी मदद से आदित्य L1 ने कक्षा बदली। तो वहीं इसरो ने दूसरी बार 5 सितंबर को अपनी कक्षा बदली थी। इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी थी। तो वहीं कक्षा बदलने का चौथा अभ्यास 15 सितंबर को लगभग 2 बजे निर्धारित किया गया है। इसरो के अनुसार आदित्य L1 16 दिन पृथ्वी की कक्षा में बिताएगा। इस दौरान 5 बार आदित्य L1 की कक्षा बदलने के लिए अर्थ बाउंड फायर भी किया जाएगा। ये कण हमें सौर मंडल के अंतरिक्ष में सौर तूफानों और वहां के मौसमों की घटना की उत्पत्ति, गति और उनके विभिन्न दिशाओं में अलग अलग वेग से बढ़ने की वजह समझने में मदद कर सकते हैं। स्टेप्स द्वारा मापे गए आंकड़े पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न कणों व आवेशित कणों के व्यवहार को समझने में भी मदद करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 2 सितंबर को भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग की थी। इसरो ने PSLV-C57 लॉन्च व्हीकल से आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई थी। ये मिशन भी चंद्रयान 3 की तरह ही पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और फिर ये तेजी से सूर्य की दिशा में उड़ान भरेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना यानी कि सूर्य की सबसे भारी परतों के दुरुस्त अवलोकन और L1 यानी कि सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा के यथास्थिति अवलोकन के लिए बनाया गया है। L1 पृथ्वी से करीब 15,00,000 किलोमीटर दूर है। इसरो के मुताबिक बात करें तो सूर्य हमारे सबसे करीब मौजूदा तारों में से एक है। ये तारों के अध्ययन में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। इससे मिली जानकारियां दूसरे तारों, हमारी आकाश गंगा और खगोल विज्ञान के कई रहस्य और नियम समझने में भी मदद करेंगी। हमारी पृथ्वी से सूर्य करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 वैसे तो इस दूरी का महज 1% ही तय कर रहा है, लेकिन इतनी सी दूरी तय करने के लिए भी ये सूर्य के बारे में हमें ऐसी कई जानकारियां देगा जो पृथ्वी से पता करना संभव नहीं हो पाता। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।